इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि IQ Neo 9 Pro में अगर आप USB डबलिंग इनेबल करना चाहते हैं, अगर करने नहीं आ रहा USB डबलिंग इनेबल तो कैसे इनेबल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो ले चलता हूं अपने फोन डिस्प्ले पे और आपको बताता हूं कैसे आपको USB डबलिंग इनेबल करके आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने फोन में गेम मीटिंग कर सकते हैं या फिर आपको कोई भी विंडोज मीटिंग करनी है तो आप मीटिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। चलिए ले चलता हूं फोन डिस्प्ले पे और आपको बताता हूं कैसे आपको USB डबलिंग इनेबल करनी है अपने IQ Neo 9 Pro में। तो चैनल पर चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आपको ले चलता हूं अपने फोन डिस्प्ले सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी होगी। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आनी होगी। आने के बाद यहाँ पे सिस्टम आपको देख लीजिएगा, सिस्टम पे क्लिक कर दीजिएगा। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन है। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां पे लिंक है कि डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हैं अपना IQ Neo 9 Pro में। तो वहां पे जाके देख लीजिए, आपको डेवलपर ऑप्शन में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे इनेबल करना है। तो जाके वहां पे देख लीजिएगा और यहां पे सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन जब इनेबल हो जाएगा तो आपको इस तरह का दिखेगा। तो सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे देखिए सारा का सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी होगी। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहां पे आपको देख पाना तो USB डबलिंग, यहां पे देख लीजिए USB डबलिंग के थ्रू यहां पे इसे इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद अब यहां से जो भी आप लैपटॉप में या फिर फोन में मीटिंग करना चाहते हैं तो आप मीटिंग करके गेम प्ले या फिर विंडोज प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना IQ Neo 9 Pro में USB डबलिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।